कि महाराज जी कई लोग कहते हैं ठोने में स्थापना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सिद्ध सलाम जो विराजमान है उनको उठा करके यहाँ विराजमान नहीं करना चाहिए, इससे उनका अपमान होता है, यह बात कहाँ तक ठीक है? ये अज्ञानी जन ऐसा कहते हैं, उसमें भगवान की स्थापना नहीं है। वो अज्ञानियों को ये मालूम नहीं है कि भगवान जैन दर्शन में भगवान को किसी में स्थापित करने के पहले पंच कल्याण किया जाता है, सूर्य मंत्र दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मात चाउर लेकर के अत्रो अत्रो कहने से भगवान आ जाए तो आपके यहाँ ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर में कोई मुनिराज आए थे कि नहीं, कि आपने अत्रो अत्रो कह के बैठा दिया, आइए भगवान अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो सन्निधि करणम। यदि इतने ही सरल भगवान को बुलाना होता ना तो फिर तुम्हें इतना बड़ा प्रपंच रखने की जरूरत नहीं। वे अज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि चावलों में पूज्यवर चामुंडराय ने चार साल के अंदर इस प्रकार की स्थापना का निषेध किया है, तो ये भगवान की स्थापना नहीं है, ये ऐसा बोलने में आ रहा है। मूल बात है संकल्प के चावल हैं कि हे प्रभु मैं आपके पूजा कर रहा हूँ, और यदि इनको स्थिति मान लेंगे तो फिर पूजा के लिए हम कैसे बुलाएं? तो हम बुलाना करके औपचारिक का कहते हैं, जब कोई आता है भगवान को वेदी पर किसी ने विराजमान किया है, हमने क्या किया, हमने क्या उनको उच्चासन दिया, तो एक व्यवहारिक नीति के कारण से ऐसी भाषा बोली जाती है। बिना स्थापना के पूजा नहीं है, ये पूज्य चावल नहीं है, इसमें भगवान की स्थापना नहीं है। यदि भगवान की स्थापना होती तो हम तुरंत दो बूंद पानी की डाल दिया तो भगवान चले गए, जब तुमने अत्रो अत्रो कहा तो भगवान आ गए, और जैसे ही तुम्हारी पूजा चली गई तो भगवान चले गए। कोई खिलौना मचा रखा गया कि जो चाह। फिर कितने लोग दिन भर में बुलाते हैं, कितनी पूजा लोग करते, इतने लोग दिन भर में बुलाएंगे और एक बुला रहा है एक भेज रहा है, एक ने पूजा खत्म होने के भगवान पधारो तो उसी बाजू में कहता भगवान अभी नहीं यहाँ पधारो, अत्रो अत्रो तुष्टो तुष्टो। तो ये सब जो है सोचने का उनकी अज्ञानता है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, बिना स्थापना के पूजा नहीं होती है। एक श्रावकाचार है माधव करके, उन्होंने पूजा के आठ अंगों में स्थापना की है, और स्थापना के बिना आज तक कहीं किसी की पूजा लिखी नहीं। यहाँ जितना सबसे बड़ा बुजुर्ग कोई व्यक्ति हो वो किताब उठा के देखो, कभी भी आज तक कोई पूजा बिना स्थापना के मिली नहीं, मिली कहीं नहीं मिली। तो इस प्रकार की बातों में अपन को नहीं आना है। जो प्राचीन परंपरा है, आदर्श परंपरा है, स्थापना के बिना पूजा नहीं करना है। स्थापना के बिना पूजा करने का अर्थ है कि वह पूजा मृत मानी जाती है, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ संकल्प नहीं होगा, संकल्प से ही गुणस्थान बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति वस्त्र उतार करके बैठ जाए तो क्या वो मुनि की कोठी में आएगा? नहीं, संकल्प कि मैं पंच पापों का त्याग कर पंच महाव्रतों को स्वीकार करता हूँ, ऐसा जब तक वो संकल्प नहीं करेगा गुणस्थान नहीं बनता। इसलिए पूजा का स्थापना करना चाहिए, यहाँ वहाँ की बातों में नहीं आना।